कैसी दास्तां है ये, कैसी ये पहेली है, कोई जाने ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजफ बिलग्रामी है और मैं दिलनवाज के और मैं यहाँ पर APlus के लॉन्च पर हूँ दिलनवाज, जो कि हमारा दिल अजीज़ सीरियल है जिसको हमने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप दैट यू अप्रिशिएट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द सटल मैसेज जो कि हमने इस सीरियल में कहने की कोशिश की। इसको लिखा है सैयद नबील ने, ब्रिलियंटली कंसीव बाय जंजीबी लासन, और आई होप के इस पे जो हमने एफर्ट लगाई आपको पसंद आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम सैयद नबील है, दिलनवाज मैंने लिखा है, स्टोरी कॉन्सेप्ट जंजीबील का प्रोड्यूस किया से एजाज असलम ने और नजफ बिलग्रामी ने, इसे बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट किया है। बहुत दिनों से मुझसे कहा जा रहा था, मेरे फैंस मेरे दोस्त मुझसे डिमांड करते थे कि हम ये सास बहू टाइप के ड्रामे देख देख के तंग आ गए, तो कुछ डिफरेंट चाहिए। तो उस हवाले से मेरा भी बड़ा दिल था, तो जब मुझे जंजीबील ने बताया कि ये इस तरह से एक हॉरर लव स्टोरी करनी है, तो मेरा मेरे दिल को बड़ा ठुका ये आइडिया, और मैंने कहा कि ज़रूर इस पर काम करना चाहिए। तो बहुत मेहनत से हमने आपके लिए ये सीरियल तैयार किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड ऑल ऑफ अस होप कि आपको ये सीरियल बहुत पसंद आता है। मैं कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आपका जो सस्पेंस है कहानी का वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बस आप इसको देखें और फिर अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू सो मच। दिलनवाज एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था एज अ प्रोड्यूसर मेरे लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तो मुश्किल है, उसके बाद इसकी जो शूट, इसकी प्रोडक्शन, वो बहुत मुश्किल काम था, कोई आसान काम नहीं था। लेकिन स्टोरी इतनी हसीन लिखी हुई थी कि मैं चाहता था कि मैं इसकी प्रोडक्शन करूं। तो बस चैनल ने बुलाया तो हमने बिस्मिल्लाह की और काम स्टार्ट किया, और उसके बाद एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने, पूरी टीम ने और चैनल ने इतनी सपोर्ट की कि ये प्रोजेक्ट माशाल्लाह आज आप लोगों के सामने है। और बहुत अच्छा, हमने बहुत मेहनत की है इस पर, डिफरेंट सब्जेक्ट है, शूट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हुआ है। एक कोशिश की है एक नया ट्रेंड सेट करने की, लोग एक तरह के ड्रामे देख देख के बोर हो गए, तो हमने सोचा कोई डिफरेंट चीज़ की जाए, और डिफरेंट चीज़, एक सब्जेक्ट डिफरेंट, उसको शूट करने का तरीका डिफरेंट, तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जो कि देखने वाली हैं। और ज़रूर आपको जो अभी आजकल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगा। एक रोमांटिक स्टोरी है, लव स्टोरी है, और बड़े डिफरेंट तरीके से शूट की गई है, सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा। और ज़्यादा मैं कुछ इसलिए नहीं बता रहा कि इसका फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, स्टोरी वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, दिलनवाज़ ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिलनवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। आप देख सकेंगे जल्द ही दिलनवाज 18 सितंबर से सिर्फ और सिर्फ APlus पे। एंड मैंने दिलनवाज का एक कैरेक्टर किया है जो कि एक सुपर नेचुरल पावर है, और ये एक जिनजादी है जिसको एक इंसान से मोहब्बत हो जाती है, एंड मोहब्बत तो मेरा ख्याल है छोटा लफ्ज़ है, इसको इश्क हो जाता है, एंड ये किस तरीके से उस लड़के को हासिल करती है इसके लिए आपको देखना पड़ेगा दिलनवाज। एंड वियर्ड चीज़ें भी बहुत हुई हैं सेट के ऊपर, लाइक मगरब के वक्त मैंने जितने दिन भी सेट पर काम किया तो मुझे लाइक गुलाब जामुन की क्रेविंग होती थी, जबकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, तो मगरब होती मैं कहती थी खुद से ही कि आप प्लीज़ मुझे गुलाब जामुन मंगवा दें। तो मेरा तो यकीन है इन चीज़ों के ऊपर कि जन्नत होते हैं, बचपन से इनकी कहानियाँ भी सुनते हैं, कुरान पाक में भी जिक्र है, और मैंने इस तरह का एक कैरेक्टर किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई लाइक टू थैंक APlus, आइस मीडिया प्रोडक्शन, माई डायरेक्टर नजफ बिलग्रामी, सैयद नबील एंड जंजीबील, थैंक यू सो मच गाइज। हाई, दिस इज़ मिनाल खान, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिलनवाज के लॉन्च पे, जो कि ऑनर हो रहा है दिस मंडे 18 सितंबर 8 PM ओनली ऑन APlus। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही एक डिफरेंट ड्रामा है, डिफरेंट कहानी है, डिफरेंट तरीके से शूट हुआ गया है, डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया गया है, तो बस आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करें। और अब बिग शाउट आउट टू माई टीम, माई प्रोड्यूसर एजाज असलम, माई डायरेक्टर नजफ बिलग्रामी एंड माई को स्टार्स अपहाज एंड नीलम, थैंक यू। दिलनवाज की लॉन्चिंग पे हूँ, और मेरी तमाम नेक तमन्नाएँ जो हैं दिलनवाज प्रोजेक्ट के लिए हैं, और हमने जब ये काम शुरू किया था तो
आइडिया नहीं था कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन दिल नवाज चूँकि एक ऐसी चीज़ का नाम है जो आप लोगों को पता है, एक चुड़ैल का नाम है, और ऐसी शूट करते हुए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी पेश आई। डायरेक्टर को, डायरेक्टर बहुत अच्छा है और उसने बहुत अच्छा काम किया, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। आइस मीडिया को मुबारकबाद पेश करती हूँ, ए प्लस की पूरी टीम को, और राइटर, स्पेशली राइटर और डायरेक्टर को, नबील ने जितना अच्छा लिखा और उससे कहीं ज़्यादा अच्छा जो है वो हमारे डायरेक्टर नजफ़ बिलग्रामी ने इसको शूट किया, और सबने बहुत मेहनत की। मुझे यकीन है कि ये बहुत हिट जाएगा, इंशाल्लाह सुपर डुपर हिट जाएगा। मैं इसमें मिनाल की मदर का कैरेक्टर मैंने प्ले किया, तो मेरी बेटी हीरो से मोहब्बत करती है और हीरो का निकाह ऑलरेडी जो है एक चुड़ैल से हुआ हुआ है, और मेरी बेटी ने जो प्रॉब्लम्स फेस की ड्रामे में, ज़ाहिर है वो मैंने भी फेस की, वो देखी, बड़ा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और मेरा ख्याल है इस किस्म की स्टोरीज आनी चाहिए, एक लव स्टोरी है और उसके साथ एक मैसेज भी है हमारे माशरे के लिए। हाय, दिस इज मी सादिया गफ़ार, और मैं दिलनवाज की पूरी टीम को गुड लक पेश करने आई हूँ, जिसकी कास्ट बहुत अमेजिंग है और डायरेक्टर नजफ़ बिलग्रामी, ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर। गाइस प्लीज़ डू वॉच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबीर रिज़वी है। तीन चार दिन से खैर मैं प्रोमो तो देख ही रही थी फेसबुक पे, और इधर उधर वो शेयर हुआ हुआ था, मुझे बहुत डिफरेंट सा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मेरा दिल किया कि मैं इसको देखूं, और आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। इस वक्त हम प्रीमियर पे हैं दिल नवाज के, और वेरी वेरी इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा प्रोमो है, आप लोग ज़रूर ड्रामा देखिएगा। ये मंडे से मेरा ख्याल है 8 o'clock लगेगा। अब थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, दिल नवाज समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग वेरी क्रिएटिव, एंड बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम। आई थिंक बड़ी मेहनत की है टीम ने, और वो दिख रहा है, और स्क्रीन पे एक बहुत बड़ा चेंज है। क्रेडिट गोज टू ए प्लस ए टी वी, बिकॉज प्रोड्यूसर्स को इस तरह का प्ले बनाने का मौका चैनल्स ही देते हैं, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा एक बहुत अच्छी सीरियल लग रही है, और समथिंग वेरी डिफरेंट, जिसमें सब ने, नीलम ने एंड एवरीवन, दे हैव वर्क्ड रियली वेल, एंड मुझे प्रोमो और टीजर्स देख के स्पेशली ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, तो एक वो हो रहा था कि देखना ज़रूर है, तो आई थिंक पीपल विल लव इट, और ज़रूर देखिएगा दिलनवाज, एंड बेस्ट ऑफ लक टू द होल टीम दिलनवाज। थैंक यू सो मच।